हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल एडेप्टिव लर्निंग सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर न्यू टॉपिक विच वुड बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर दैट इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी इफेक्ट्स ऑफ वलकैनिक इरप्शन जहाँ पर हम जैसे हमने सडन मूवमेंट के हमने अर्थक्वेक में जैसे हमने अर्थक्वेक में इफेक्ट्स पढ़े थे कॉजेस पढ़ा था सिमिलरली uh, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इरप्शन की इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जहाँ हम देखेंगे कि देर आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ वॉलकैनिक इरप्शन एंड देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉलकैनिक इरप्शन ठीक है जहाँ पर इरप्शन uh, के कुछ uh, अच्छे चीज़ें भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी है ओके okay. जैसे कॉइन होता है ना कॉइन के कैसे दो आ, बोलते हैं ना कि हम कहा जाता है कि एवरी कॉइन एज टू साइड्स ठीक है वन इज पॉजिटिव एंड द अनोदर वन इज नेगेटिव सिमिलरली यहाँ पर भी वॉलकैनिक इरप्शन के वजह से कुछ चीज़ें पॉजिटिव मैनर में होती है कुछ चीज़ें पॉजिटिव मैनर में इफेक्ट्स होता है और कुछ जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं ठीक है सो लेट्स स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वॉलकैनिक इरप्शनिक इप्शन so, से हम ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस क्लास में हम कैम्यूलराइज हो चुके हैं ठीक है ठीके? हमने वीडियो भी देखा इसके ऊपर तो so, देखते हैं कि सबसे पहला इफेक्ट क्या वॉल्निक इप्शन का सबसे पहला वाला इफेक्ट हम जब पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो की सबसे बड़ा डीमेरिट्स है ठीक है जहां पर क्या होता है कि वॉल्कैनिक इप्शन सिंस इट इज सडन मूवमेंट ठीक है इट्स अट इज सडन इट्स मूवमेंट विच इज रैपिड ठीक है जहां पर हमें वो सफिशियंट टाइम नहीं मिलता है कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट्स को रोका जा सके ठीक है और इसके लिए कुछ अल्टरनेट वेव्स अल्टर ढूंढ सके ठीक है तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है बिकॉज जब वॉलकैनिक इरप्शन होता है ठीक है सो वो पर्टिकुलर पूरा लैंड शेक भी होता है ठीक है और ये जो मोल्टेन मैग्मा होती है इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हॉट होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान अगर उसमें जाएगा या उस पर्टिकुलर वलकैनोज uh, में भी गिर जाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा ठीक है बिकॉज एक ऐसा होता है कि एक फायर से भरा हुआ मतलब आग के चट्टानों में भरा हुआ एक रॉक जो कि मोल्टिन फॉर्म में है इनका टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ का भी जितने ह्यूमन लाइफ है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके भी डेथ होने के चांसेस है इवन प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी अगर वॉलकैनिक इरप्शन होता है तो समाइम कैसा होता है कि जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं वॉलैनोज के और देखिए तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है जो उनके जो सेटलमेंट्स होते हैं उनका जो सिविलाइज किया हुआ जगह होता है वो भी क्या हो जाता है टूट जाता है ठीक है so, सो यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इसलिए वॉलकैनिक इरप्शन जैसे यानी कि जहां पर एक्टिव वॉलैनोज होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में लोग जल्दी सिविलाइज नहीं करते ठीक है सिविलाइजेशन नहीं किया जाता देन आवर नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वॉलकैनिक इरेप्शन इज सुनामी जनरेटेड ठीक है अब होता क्या है अगर वॉलकैनिक इरेप्शन ओशियनिक जैसे माउंटेन्स या वॉल्केनोज में अगर क्रिएट होता है या एक्टिव होता है ठीक है तो कैसा होगा कि वो वॉल्केनोज और ओशन के बेस के ऊपर है वो माउंटेन ठीक है यानी कि वो जो वॉल्केकैनो है वो ओशन के ऊपर है ओशन के ऊपर लाए होने की वजह से ठीक है अब यहाँ पर जब इरप्शन होगा तो क्या होगा बहुत सारा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा ठीक है यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा कि उसका इफेक्ट वाटर पे भी बढ़ेगा ठीक है और ये जो वाटर है ये वाटर क्या करना स्टार्ट कर देगा टाइट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा बड़े बड़े वेव्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा जिसके वजह से एक और नेचुरल कैलामिटी पैदा देता है जो कि क्या है सुनामी ठीक है सुनामी आने के चांसेस हो जाएंगे देन इंबैलेंस इन इन्वायरमेंट ठीक है अब होगा क्या कि जब वॉलकैनिक इरप्शन होता है तो वॉलकैनिक इरप्शन होने की वजह से जो वोल्कैनिक इप्शन से बाहर आए हुए जो आउटकम्स है ठीक है जो आउटपुट्स है जहाँ पर हमने देखे एशेस होते हैं वाटर वेपर होता है अब वाटर वेपर तो इतना हार्मफुल नहीं करेगा बट उसके साथ साथ सर्टन गैसेस भी रिलीज होता है टॉक्सिन्स रिलीज होता है ठीक है केमिकल्स रिलीज होते हैं अब ये जो गैसेस होते हैं ये जो टॉक्सिन होते हैं इनके वजह से क्या होता है कि जो एयर जो होता है वो पल्यूट हो जाता है और ये एयर पल्यूट होने की वजह से जो इन्वामेंट होता है वो क्या हो जाता है इम्बैलेंस हो जाता है ठीक है फिजिकली समझ में आ रहा है सो so इसलिए हमारा जो नेक्स्ट uh, जो हमारे इफेक्ट्स ऑफ इरप्शन है वो है इम्बैलेंस इन इन्वायरमेंट ठीक है ड्यू टू इरप्शन वापस से

ये जो, से जो लावा बाहर आता है ठीके? वो लावा क्या होता है अंदर मुल्टन मैगमा होता है मैग्मा क्या होता है मैग्मा इज नथिंग बट अल्टन रॉक ठीक है और जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा कि रॉक के अंदर देर आर समेसिक मिनरल्स ठीक है तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये मिनरल्स सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है ठीक है सो तो क्या होगा कि लावा बाहर आने के बाद सॉलिडिफाइड हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कहा ठीक है और ये क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वापस से वेदरिंग होकर सॉइल का हॉरिजोन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है सॉइल के लैंड फॉर्म्स बनने के वजह से अब ये जो लैंड है जो कि रॉक से बना है ठीक है? मोस्टली इग्नियस रॉक होता है जो कि से जो रॉक होते हैं है, और उसमें फर्टिलिटी बहुत ही गेन हो जाती है लैंड बिकम्स फर्टाइल यहाँ पर लैंड क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से फर्टिलिटी हो जाएगी यानी कि इट्स कम अंडर एडवांटेजेस ठीक है ये मेरिट है मिनरल्स आर फाउंड ओके okay, अब वापस से अगेन लावा है जो रॉक है वो मैग्मा है वो मोल्टन रॉक है मोल्टन रॉक में अंदर मैंने आपको बताया कि मुल्टन मैग्मा जो है मैग्मा लावा ये किससे बन रहा है ये रॉक से बन रहा है और रॉक के अंदर क्या है रॉक के अंदर मिनरल्स है तो ये जो मैग्मा जब ये जो इरप्शन होता है इरप्शन होने के बाद जो पर्टिकुलर वॉलकैनिक एक्टिव वॉलकैनिक इरप्शन के आसपास सॉलिडिफिकेशन होने के बाद आपको मिनरल्स ही मिनरल्स मिलेंगे यानी कि ये एक सोर्स ऑफ मिनरल्स बन जाते हैं सो अगेन इट्स वेरी एडवांटेज ठीक है क्योंकि एडवांटेज क्यों होगा क्योंकि मिनरल्स जो होता है ठीक है ये एक ऐसा रिसोर्सेस है ठीक है इट्स रिसोर्सेस ठीक है जो कि रिन्यू नहीं किया जा सकता ठीक है ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला है फॉर्मेशन ऑफ लेक्स एंड लैंड अब अगर मैं लेक्स एंड लैंड की बोलता हूं तो इफेक्ट्स ऑफ इरप्शन में वॉलकैनोज होने की वजह से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर रीजन का जो लैंडफॉर्म होगा वो लैंडफॉर्म में भी काफ़ी असर पड़ेगा लेक्स जो होंगे जहाँ पर इरप्शन होगा और जो पर्टिकुलर पार्ट part जो जल जाएगा ठीक है तो वो क्या बन जाएगा लेक बनना स्टार्ट कर देगा और सर्टन लैंड भी क्रिएट करेगा लैंड कैसे क्रिएट करेगा जैसे मैंने आपको बोला सॉइल ऑरिजोन का सॉइल्स के ऑरिजोन बनते जाएंगे और लैंड का जो सरफेस है सरफेस वाला जो लैंड है वो बनना क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये भी अगेन एक एडवांटेज में आ जाता है जहां पर हम देख रहे है। ये भी एक है। किसका uh, so, कौन सा है इफेक्ट्स लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी विच इज सुनामी जनरेशन विच इज अगेन डिसएडवांटेज इम्बैलेंस इन एनवायरमेंट इट्स अगेन डिसएडवांटेज देन लैंड बिकम्स फर्टाइल एडवांटेज ऑफ Volcanic eruption, minerals are found again, uh, advantage of volcanic eruption and formation of lakes and land, which is again uh, advantages for our uh, advantages of volcanic eruption. इरप्शन ठीक है सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर आवर चैप्टर एंडोजेनेटिक मूवमेंट अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा आने वाला चैप्टर एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट वन ठीक है अब ये जो मूवमेंट्स है ये मूवमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है पार्ट वन में डिवाइडेड है एंड पार्ट टू में डिवाइडेड है ठीक है so, सो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट वन ठीक है movement, 1, जो कि चैप्टर नंबर हमारा होगा थ्री तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और और भी काफ़ी सारे साइंटिफिक टर्म्स के साथ हम वहाँ पर फेमिलराइज होंगे अब एक छोटा सा चैप्टर एंड हो चुका है सो तो हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने सारे टॉपिक्स जो है ठीक है रिगार्डिंग ऑल द टॉपिक्स वो हमने कवर किए हैं कि नहीं ठीक है सो लेट्स डिस्कस एक बार रिव्यू देख लेते हैं रिकैप कर लेते हैं छोटा सा कि जो भी जितने भी टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स हमारे क्लियर हुए कि नहीं हुए हैं ओके okay, सबसे पहले वाला लेक्चर में हमने एंडोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा वी हैव अबाउट वेस्कस एंडोजेनेटिक मूवमेंट देन एंडोजेनेटिक मूवमेंट से हम इंट्रोड्यूस हुए कि एंडोजेनेटिक मूवमेंट क्या है सो वी आर डन विद दिस टॉपिक जहां पर हमने इंट्रोडक्शन टू एंडोजेनेटिक मूवमेंट देखा कि एंडोजेनेटिक मूवमेंट होने के रीजन क्या है एंडोजेनेटिक मूवमेंट होता क्या है क्योंकि हम जेनेटिक वेव्स क्या होता है वो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्सिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स पढ़े हमने जहां पर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा वी है डिरेक्शन वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंड फॉर्म कि हमने वेव्स के बारे में पढ़ा कि वेव्स को सेकेंडरी प्राइमरी इन सर्फेस में कैसे क्लासीफाई किया गया है देन वी स्टार्टेड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्लो मूवमेंट ठीक है जहां पर हमने स्लो मूवमेंट किया और वो स्लो मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने एक लेक्चर में देखा इफेक्ट्स ऑफ पी एंड टी ठीक है इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ ऑफ पी एंड टी प्रेशर के बारे में पढ़ा टेंशन के बारे में पढ़ा हमने स्ट्रक्चर देखे कि हार्ड रॉक पे और सॉफ्ट रॉक पे क्या असर पड़ता है प्रेशर के वक्त पे और इवन टेंशन के वक्त पे वक्त वक्त पे ठीक है देन हमने कंप्रेशन के बारे में स्टडी किया वी हैव लर्न अबाउट द कंप्रेशन ठीक है कि कैसे कंप्रेशन होता है प्रेशर क्रिएट होता है ठीक है कन्वर्जेंट रेज के वजह से कंप्रेस uh, कैसे होगा देन स्लो मूवमेंट में जो स्लो मूवमेंट हमने पढ़ा वो स्लो मूवमेंट में जो पहला जो माउंटेन्स है वो माउंटेन्स में हमने पढ़ा फोल्ड माउंटेन्स के बारे में वी हैव डिस्कस अबाउट द फोल्ड माउंटेन्स इवन वी हैव डिस्कस अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स वी हैव कवर्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स बोथ टेंशन में हमने पढ़ा रिफ्ट वैली जहां पर हमने रिफ्ट वैली के बारे में पढ़ा कि रिफ्ट वैली जो होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है Then, building, जहाँ पर ये भी एक स्लो मूवमेंट का पार्ट है जहां पर मैंने आपको बताया कि ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे प्लेट्स के कॉल्यूजन होने की वजह से और इनके बोलते हैं ना कि डाइवर्जन एंड कन्वर्जेंट होने की वजह से कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और कॉन्टिनेंट्स बनने स्टार्ट हो गए जहां पर आज के डेट में लोगों ने सिविलाइज किया है देन वी सडन मूवमेंट ठीक है पर हमने इंट्रोडक्शन टू सडन मूवमेंट देखा कि सडन मूवमेंट होता क्या है देन वी हैव लर्न अबाउट दी ऑर्थक्विक जहाँ पर हमने ऑर्थक्विक के बारे में पढ़ा इंट्रोडक्शन टू अर्थ क्विक मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था तो हमने वो स्ट्रक्चर के थ्रू हमने ऑर्थक्विक के बारे में स्टडी किया वी हैव लर्न अबाउट दिस सिस्मोग्राम जहाँ पर हमने सिस्मिक डिवाइस के बारे में पढ़ा पोर्स एन एपी सेंटर के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया जब मैंने आपको ऑर्थक्विक स्ट्रक्चर के साथ में ने आपको एक्सप्लेन किया था so, उस पर्टिकुलर वक्त मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज फोकाई एंड व्हाट इज व्हाट इज़ एपिसेंटर ठीक है सो ये सारी चीजें भी हमने क्लियर कर ली वी हैव में स्टडी किया सिस्मिक वेव्स के बारे में जहां पर हमने प्राइमरी वेव्स कंप्लीट किया वी सिस्मोग्राम ओके तो हमने हमारे जो रिसेंट टॉपिक्स जो हमने स्टार्ट किए थे वो है हमारा इरप्शन ये भी हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ इरप्शन सेंट्रल टाइप इरप्शन एंड फिशर टाइप इरप्शन यू कैन सी यूर इट्स अ इमेज ठीक है आप इमेज देख सकते हो कि कैसे वेंट लाइक पाइप ओपनिंग माउंटेन्स के थ्रू जो इरप्शन हो रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रैक्चर्स क्रैक्स जो होते हैं लैंडफॉर्म्स में उनके थ्रू जो इरप्शन टेक प्लेस हो रहा है वो आप यहां पर देख सकते हो ठीक है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा हमने और हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने आज कंप्लीट किया वो है इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोस ठीक है सो दिस दिस वाज़ दी आवर लास्ट टॉपिक ठीक है जहां पर हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के साथ यानी कि हमारे चैप्टर नंबर टू के साथ खत्म हो गए सो वी आर एंड ऑफ दिस चैप्टर जहां पर हमने एंडोजेनेटिक मूवमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है हमने ईच एंड एवरी टॉपिक्स के साथ हम 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 फेमिलराइज हो चुके हैं हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर थ्री एक्सोजेनेटिक मूवमेंट जहां पर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज के साथ मैं आऊंगा होप आप लोगों को ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक जहां पर एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है तो आप लोगों को भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे अब आपका काम यहाँ पर शुरू हो जाता है कि आप बुक उठाइए अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और स्टडी करना स्टार्ट कीजिए ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आने वाले कमिंग लेक्चर में चैप्टर नंबर थ्री के साथ तब तक के लिए प्लीज शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू